हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 20 के बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग लेट अस वर्क आउट 20 के जो भी सम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक नंबर में क्या है, लेट अस एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन टू डिग्रीज मिनट्स एंड सेकेंड्स। मतलब ये सब जो भी हम लोग को सम्स दिए हैं, यहाँ पे जो भी मैथ दिए है, ये सबको हम लोग क्या करना है, ये सब को हम लोगों को डिग्री मिनट और सेकंड में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो एक नंबर में क्या है, देखिए 832 मिनट है। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, मिनट का। ठीक है, और ये सेकंड का। ठीक है, और ये डिग्री का। ठीक है, तो एक नंबर में क्या है, 832 मिनट है। इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोगों को डिग्री मिनट और सेकेंड में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो 832 मिनट को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में, कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। ठीक है, कितना, 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ पे कितने मिनट है, 832 मिनट। तो 832 मिनट जो है यहाँ पे कितना डिग्री है वो हम लोग को निकालना है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो यहाँ पे कितना मिनट है, यहाँ पे है 832 मिनट। ठीक है, तो इसको अगर डिग्री बनाना चाहे तो हम लोग क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट है, 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 832 मिनट है, तो यहाँ पे कितना डिग्री है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग बताया था कि अगर मिनट को डिग्री बनाना है तो क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 832 मिनट है, 832 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो 61 जा 60 3 में 0 जाने से कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 8 में 6 जाने से कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इस 2 को नीचे उतारेंगे तो कितना मिलेगा, 232 मिनट। और यहाँ पे हम लोग को 1 डिग्री मिला, अभी तो डिग्री नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 63 जा कितना हो जाएगा, 63 जा हो जाएगा 180, कितना 180। और 2 में 0 जाने से 2 मिलेगा, 3 में 8 किया जाएगा, नहीं यहाँ से एक हम लोग को उधार लेना है, तो 13 हो जाएगा। 13 में 8 जाने से कितना मिलेगा हम लोग को, 13 में से अगर 8 माइनस हो जाए तो 5 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो ये कितना मिनट हो जाएगा, 52 मिनट। और हम लोग को देखिए 52 मिनट, 60 मिनट का क्या होता है, 1 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 52 मिनट मिलता है, तो ये 13 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना डिग्री हो जाएगा, 13 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 832 मिनट इक्वल टू कितना होगा, 13 डिग्री 52 मिनट, यानी कि 13 डिग्री 52 मिनट। ठीक है, तो देयरफॉर 832 मिनट इज इक्वल टू 13 डिग्री 52 मिनट। ठीक है, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है। तो 60 से डिवाइड करने के बाद हम लोग को यहाँ पे कितना मिलता है, 13, तो ये 13 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को रिमाइंडर कितना मिलता है, 52, तो ये मिनट है, तो ये 52 क्या होगा, मिनट होगा। तो 832 मिनट इक्वल टू कितना होगा, 13 डिग्री 52 मिनट। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है 6312 सेकंड, ये सेकंड का सिंबल है। ठीक है, 6312 सेकंड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना है, डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 6312 सेकंड है, तो इसको अगर हम लोग मिनट बनाना चाहे तो कितना से भाग करना होगा, डिवाइड करना होगा 60 से, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6312 सेकंड है, तो इसको अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करना चाहे तो कितना से डिवाइड करना होगा, 60 से, तो 60 6312 सेकंड। ठीक है, तो 60 से डिवाइड करने से हम लोग क्या मिलेगा, मिनट मिलेगा। ठीक है, सेकंड को 60 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, सेकंड को 60 से डिवाइड करने से मिनट मिलेगा। तो 61 जा 60 मिलेगा कितना, 3, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 को नीचे
उतार लेंगे और टू को भी नीचे उतार लेंगे, तो दो डिजिट को एक साथ नीचे उतारने के लिए हम लोग यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना मिला हम लोगों को, 312 सेकंड, ये 312 सेकंड यहाँ पे मिला। तो 65 जो कितना होता है, 65 जो हो जाता है 300, कितना 300। तो 2 में 0 गया तो 2 मिला, 1 में 0 गया तो 1 मिला, 3 में 3 गया तो 0, यानी कि 12 सेकंड मिलता है, ठीक है। तो सेकंड को 60 से डिवाइड करने से क्या मिलता है, मिनट। सेकंड को 60 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, मिनट। तो 105 मिनट 12 सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो 105 मिनट 12 सेकंड होता है, तो 105 मिनट को हम लोग डिग्री बना सकते हैं। तो ये 105 मिनट है, इसको डिग्री बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 60 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 60 से डिवाइड करेंगे 105 मिनट को, ठीक है। तो 61 जा 60, ठीक है। तो 5 में 0 जाने से क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और 10 में 6 जाने से 4 मिलेगा। तो ये 45 मिनट होगा, तो 1 डिग्री 45 मिनट होगा, यानी कि 105 मिनट 1 डिग्री 45 मिनट होता है, ठीक है। तो अब देखिए 6312 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 1 डिग्री 45 मिनट 12 सेकंड, ठीक है। क्या होगा, देयरफॉर 6312 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिग्री 45 मिनट 12 सेकंड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस सेकंड को क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने से 60 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम लोग कितना मिलेगा, 105 मिनट, ठीक है। और सेकंड कितना मिलेगा, ये रिमाइंडर 12 मिलेगा, तो ये सेकंड है तो 12 सेकंड होगा, ठीक है। उसके बाद इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिग्री में। तो 60 से डिवाइड करने से डिग्री मिल जाएगा, तो 61 जा 60। तो 105 में 60 माइनस हो जाने से कितना मिलेगा, 45। तो ये मिनट है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मिनट मिलेगा 45 मिनट। तो 1 डिग्री 45 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो 6312 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिग्री 45 मिनट 12 सेकंड। उसके बाद देखिए कितना है तीन नंबर में, 375 सेकंड है, ठीक है, 375 सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितना से डिवाइड करना है, 60 से। तो 6375 सेकंड, ठीक है। तो 66 जा कितना हो जाएगा, 66 जा हो जाएगा 360, कितना 360। तो 5 में 0 माइनस होने से, मतलब 5 में 0 जाने से 5 ही मिलेगा, 7 में 6 माइनस होने से 1 मिलेगा, 3 में 3 माइनस होने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेकंड है, तो ये क्या होगा, सेकंड। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है। तो 60 से डिवाइड करने से हम लोग क्या मिलता है, 6 यहाँ पे, तो यानी कि ये 6 मिनट होगा। 6 मिनट कितना मिलता है, 15 सेकंड। तो 6 मिनट को क्या डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो 6 मिनट है, डिग्री बनने के लिए 60 मिनट चाहिए, ठीक है, 60 मिनट। यहाँ पे 6 मिनट है, मतलब 6 मिनट है, डिग्री बनाने के लिए 60 मिनट चाहिए, क्योंकि 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये 6 मिनट है, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 375 सेकंड इज इक्वल टू 6 मिनट 15 सेकंड्स, ठीक है। इस 6 मिनट को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 6 मिनट है, 1 डिग्री के लिए 60 मिनट चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको 60 से डिवाइड नहीं करेंगे डिग्री बनाने के लिए, ठीक है, इसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आइए 1 नंबर के 4 नंबर को डिग्री मिनट और सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए 4 नंबर में क्या है, होल 27 1 बाई 12 डिग्री, ठीक है, क्या है, होल 27 1 बाई 12 डिग्री, ठीक है, होल 27 1 बाई 12 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 27 डिग्री प्लस 1 बाई 12 डिग्री, ठीक है। अगर हमारे पास हो होल 32 1 बाई 5 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 डिग्री प्लस 1 बाई 5 डिग्री, ठीक है। और अगर हमारे पास हो 53
होल 53 वन बाय 18 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 53 डिग्री प्लस 1 बाय 18 डिग्री, ठीक है। तो होल 27 1 बाय 12 डिग्री को 27 डिग्री प्लस 1 बाय 12 डिग्री में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू 27 डिग्री प्लस 1 बाय 12 डिग्री है, तो ये डिग्री में नहीं है, इसका मतलब ये डिग्री के लिए 60 मिनट चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसको अगर हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो 0.00 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिग्री में नहीं है, इसको मिनट में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 बाय 12 ये तो डिग्री में, अभी यहाँ पे डिग्री में है सिंबल, ठीक है। तो इसको मिनट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना है, 60 से गुना करना है। अगर डिग्री से मिनट के तरफ जाएंगे तो क्या करना है, 60 से गुना करना है, ठीक है। डिग्री को अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, डिग्री को हम लोग मिनट बना रहे हैं, तो डिग्री को मिनट बनाने के लिए क्या करना है, 60 से गुना करना है। तो 60 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, मिनट। तो यहाँ पे मिनट का सिंबल देंगे, ठीक है। इक्वल टू 27 डिग्री प्लस 12 वन जे 12, 12 फाइव जे 60, तो 5 वन जे क्या हो जाएगा, 5 वन जे 5 होगा, यानी कि 5 मिनट होगा, क्या होगा, 5 मिनट। यहाँ पे क्या सिंबल है, मिनट का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, ठीक है। 5 वन जे 5, यानी कि 5 मिनट होगा। तो इक्वल टू क्या होगा, 27 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 27 डिग्री 5 मिनट, सॉरी यहाँ पे कोमा नहीं होगा, ठीक है। 27 डिग्री 5 मिनट होगा, होल 27 1 बाई 12 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 27 डिग्री 5 मिनट। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अब आइए 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 नंबर में क्या है, 72.04 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 नंबर के 5 नंबर, ठीक है, क्या है, 72.04 डिग्री, 72.04 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं 72 डिग्री प्लस 0.04 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग 72 और 0.04 डिग्री को ऐड करें तो हम लोग क्या मिलेगा, 72.04 डिग्री, ठीक है। तो 72.04 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 72 डिग्री प्लस 0.04 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग 72 डिग्री और 0.04 डिग्री 0.00 ले लेंगे, ठीक है, 72 डिग्री है, 72 डिग्री 0.00 ले लेंगे, और क्या है, 0.04 डिग्री, तो 0.04 डिग्री, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को 72.04 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 4 मिलेगा, 0 मिलेगा, पॉइंट है तो पॉइंट, 2 मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि 72.04 डिग्री हुए। तो इसका मतलब 72.04 डिग्री को हम लोग 72 डिग्री प्लस 0.04 डिग्री में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर 38.06 डिग्री हो तो इसके इसको हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं 38 डिग्री प्लस 0.06 डिग्री, ठीक है। और अगर 38.08 डिग्री हो तो इसको हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं 38 डिग्री प्लस 0.08 डिग्री, ठीक है। और अगर 56.01 डिग्री हो तो हम लोग इसको इक्वल टू लिख सकते हैं 56.01 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग 72.04 डिग्री को लिख सकते हैं 72 डिग्री प्लस 0.04 डिग्री, ठीक है। तो इक्वल टू 72 डिग्री प्लस, तो देखिए यहाँ पे 0.04 डिग्री है, मतलब डिग्री पॉइंट में है, यानी कि कंप्लीट डिग्री नहीं है, मतलब पूरा यहाँ पे डिग्री में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये मिनट में हो सकता है। तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 60 से गुना करना है। डिग्री को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या करना है, गुना करना है। तो 0.04 इंटू 60, तो यहाँ पे मिनट के सिंबल हो जाएंगे, ठीक है। 0.04 डिग्री को हम लोग क्या कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, तो इंटू 60 करना है, क्योंकि ये 0.04 डिग्री है, पॉइंट में है, मतलब पूरा डिग्री में नहीं है। तो इसको हम लोग मिनट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 60 से गुना करना है। तो यहाँ पे मिनट की सिंबल हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वल टू 72 डिग्री प्लस, तो देखिए 0.04
इंटू 60 करने से मतलब 0.04 इंटू 60, अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 0 4 0 0 0 4 0 0 होगा, ठीक है 0 0 0 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्रॉस देना है, ठीक है 6 4 0 24 24 का 4 हाथ में आएगा, 2 6 0 0 तो 0 और 2 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोगों को 0 4 2, तो कितने डिजिट के बाद, दाएं तरफ से देखना है कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद, तो 1 2 यहाँ पे डेसिमल होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग 0.04 इंटू 60 करें तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 2.40, क्या मिल जाएगा 2.40। तो ये किस में, मिनट में, तो यहाँ पे मिनट की सिंबल होगी, ठीक है। तो इक्वल टू 72 डिग्री प्लस, तो देखिए 2.40 मिनट है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 मिनट प्लस 0.40 मिनट, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे 72.04 डिग्री को हम लोग 72 डिग्री प्लस 0.04 डिग्री लिखे, उसी तरह से 2.40 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 2 मिनट प्लस 0.40 मिनट, ठीक है। तो 2.58 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 2 मिनट प्लस 5.58 मिनट, ठीक है। 2.58 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 2 मिनट प्लस 0.58 मिनट, ठीक है। जिस तरह से हम लोग 72.04 डिग्री को 72 डिग्री प्लस 0.04 डिग्री में लिख सकते हैं, उसी तरह से 2.58 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 2 मिनट प्लस 0.58 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे 2.40 मिनट है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 मिनट प्लस 0.40 मिनट में, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। तो इक्वल टू 72 डिग्री प्लस 2 मिनट प्लस, तो देखिए ये जो मिनट है पॉइंट में, यानी कि पूरा मिनट नहीं है, 0.04 मिनट है, तो ये पूरा मिनट में नहीं है, तो इसका मतलब ये सेकंड में हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट में है, ठीक है। तो सेकंड मिनट से सेकंड में जाएंगे तो हम लोग क्या करना है, 60 से गुना करना है, ठीक है। 60 से क्या करना है, गुना करना है, तो इसको हम लोग अब क्या कर देंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 0.40 इंटू 60, तो अब यहाँ पे सेकंड की सिंबल हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वल टू 72 डिग्री प्लस 2 मिनट प्लस 0.40 इंटू 60 है, तो 0.40 इंटू 60 0 0 0 0 4 0 इंटू 60 0 6 4 24, ठीक है। तो 0 0 4 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 2 डेसिमल, यानी कि 24 मिलेगा, क्या मिलेगा 24, सिंबल क्या है मिनट के, तो मिनट, ठीक है। तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 72 डिग्री 2 मिनट 24 सेकंड, यानी कि 72.04 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ, 72 डिग्री 2 मिनट 24 सेकंड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब आइए दो नंबर में, तो दो नंबर में क्या है, देखिए लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग्स, मतलब ये जो सम्स है, ये जो मैथ है, ठीक है, ये सब मैथ के हम लोगों को क्या करना है, सर्कुलर वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, यानी कि फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सेक्सागेसिमल वैल्यू हमेशा डिग्री में होगी, ठीक है। तो देखिए ये डिग्री में है, इसका मतलब ये सेक्सागेसिमल वैल्यू है, इसको हम लोग क्या करना है, सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था सेक्सागेसिमल वैल्यू को सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करना है, पाई बाई 180 से गुना करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए एक नंबर में क्या है, दो नंबर के एक नंबर में है 60 डिग्री, तो टू नंबर के वन नंबर 60 डिग्री, इसको हम लोग क्या करना है, सर्कुलर वैल्यू में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, यानी कि सर्कुलर वैल्यू में डिटरमाइन करना है, यानी कि सर्कुलर वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 60 डिग्री इंटू क्या होगा, पाई बाई 180। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्कुलर वैल्यू हमेशा रेडियन में होगी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, रेडियन की सिंबल देना है, ठीक है। तो
जीरो जीरो कैंसिल, सिक्स वन जै सिक्स, सिक्स टू जै एटीन, तो हम लोग क्या मिल जाएगा पाई रेडियन बाई टू। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या पाई रेडियन बाई टू। बहुत सिंपल है, दो नंबर आप लोग खुद से कर सकते हैं। 135 डिग्री है, 135 डिग्री है। ठीक है, तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 135 इंटू पाई रेडियन बाई 180। रेडियन क्यों देना है, क्योंकि सर्कुलर वैल्यू हमेशा रेडियन में ही होगी। ठीक है, तो इसको कैंसिल करने के बाद आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीन नंबर, तीन नंबर में क्या है माइनस 150 डिग्री। ठीक है, तीन नंबर क्या है माइनस 150 डिग्री। ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये नेगेटिव एंगल है। ठीक है, ये नेगेटिव एंगल है। ठीक है, तो इक्वल टू माइनस 150 डिग्री इंटू पाई बाई 180। ठीक है, सर्कुलर वैल्यू में डिटरमाइन करने के लिए क्या करना है, हम लोग पाई बाई 180 से गुना करना है, तो सर्कुलर वैल्यू हमेशा रेडियन में होगी। ठीक है, तो जीरो जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 5 15, 3 6 18, तो क्या मिलेगा हम लोग को माइनस 5 इंटू पाई रेडियन क्या होगा 5 पाई रेडियन बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 5 पाई रेडियन बाई 6। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है 72 डिग्री। ठीक है, तो 72 डिग्री, तो इसको सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे पाई बाई 180 से गुना करेंगे, तो सर्कुलर वैल्यू हमेशा रेडियन में होगी। ठीक है, तो 9 2 18, 0 का 0 मिलेगा, 9 8 72। ठीक है, उसके बाद 4 2 8, 4 5 20, तो हम लोग क्या मिलेगा 2 इंटू पाई रेडियन यानी कि 2 पाई रेडियन बाई क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 2 पाई रेडियन बाई 5। उसके बाद देखिए 4 नंबर में क्या है माइनस 62 डिग्री, उसके बाद 5 नंबर में देखिए क्या है 22 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 22 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को मालूम है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो हाफ डिग्री इक्वल टू क्या होगा हाफ डिग्री इक्वल टू 30 मिनट होगा। क्या होगा 30 मिनट। ठीक है, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो हाफ डिग्री आधा डिग्री इक्वल टू क्या होगा 30 मिनट, तो इसका मतलब ये 30 मिनट है, तो इसको हम लोग हाफ डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 22 हाफ डिग्री। ठीक है, मतलब सारे 22 डिग्री में हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 1 डिग्री इक्वल टू क्या है 60 मिनट, तो हाफ डिग्री इक्वल टू क्या होगा 30 मिनट, तो यहाँ पे 30 मिनट है, तो 30 मिनट को हम लोग हाफ डिग्री में लिख सकते हैं, तो 22 डिग्री 30 मिनट है, तो हम लोग लिख सकते हैं होल 22 1/2 डिग्री। ठीक है, तो 22 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा होल 22 1/2 डिग्री यानी कि सारे 22 डिग्री। ठीक है, तो इक्वल टू हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है, इसको प्लस करना है, तो 22 को अगर 2 से गुना करेंगे 22 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 44 मिलेगा, 2 2 4, 2 2 4 कितना मिलेगा 44, और इसको ऐड कर देना है, यहाँ पे कितना 1 है, तो 44 प्लस 1 कितना हो जाएगा 45, तो 45 डिग्री बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 डिग्री बाई 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है सर्कुलर वैल्यू में डिटरमाइन करना है इसको। ठीक है, तो इंटू क्या करेंगे पाई बाई 180, तो सर्कुलर वैल्यू रेडियन में होगी। ठीक है, तो इक्वल टू, तो देखिए 9 5 45, 9 2 18, 0 का 0 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 5 1 5, 5 4 20। ठीक है, तो ऊपर हम लोग क्या मिलेगा 1 इंटू पाई रेडियन, तो पाई रेडियन होगा गुना करने से, और नीचे 2 4 क्या मिलेगा 2 4 8 मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई रेडियन बाई 8। ठीक है, तो अब आइए 6 नंबर में, तो देखिए 6 नंबर में क्या है माइनस 62 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, माइनस 62 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 62 होल 62
वन बाय टू डिग्री, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 30 मिनट का मतलब होता है हाफ डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो हाफ डिग्री इक्वल टू क्या होगा, हाफ डिग्री इक्वल टू होगा 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो हाफ डिग्री इक्वल टू क्या होगा 30 मिनट, तो 30 मिनट को हम लोग हाफ डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो माइनस 60 डिग्री 30 मिनट है, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस होल 61 बाई 2 डिग्री, ठीक है, तो इक्वल टू माइनस, देखिए गुना करना है, तो 62 को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे, 2 जब 4, 2 6 जब 12, तो 124 मिलेगा, तो 124 इसको ऐड करना है, तो क्या मिलेगा, माइनस 125 मिलेगा, 25 डिग्री माइनस 125 डिग्री बाई क्या मिलेगा 2, तो इसको हम लोग को सर्कुलर वैल्यू में निकालना है, तो पाई रेडियन बाई इंटू पाई रेडियन बाई क्या होगा 180, तो ये रेडियन की सिंबल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम लोग पास से काटें 5 2 10, 5 5 25, 5 3 15, तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, तो 3 और 0 कितना हो जाएगा 30, तो 5 6 30, ठीक है, क्या मिलेगा 36 मिलेगा, 5 3 15, यहाँ पे मिलेगा 3 और 0 30 होगा, 5 6 30, ठीक है, तो ऊपर हम लोग क्या मिलेगा माइनस 25 इंटू पाई रेडियन, तो गुना करने से माइनस 25 पाई रेडियन, और तो कैंसिल होगा नहीं, ठीक है, और नीचे क्या मिलेगा 2 इंटू 36, तो 2 इंटू 36 कितना हो जाएगा 72, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 25 पाई रेडियन बाई 72, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 नंबर में क्या है, 52 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड, ठीक है, 7 नंबर में है 52 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड, ठीक है, तो हम लोग देखिए इक्वल टू लिख सकते हैं 52 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस 30 सेकंड, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है, तो इक्वल टू 52 डिग्री प्लस, देखिए ये मिनट में है, इसको अगर हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना चाहे, डिग्री में कन्वर्ट करना चाहे, डिग्री से मिनट में जाएंगे तो क्या करना है 60 से गुना करना है, और अगर मिनट से डिग्री में आएंगे तो क्या करना है 60 से डिवाइड करना है, ठीक है, 60 से क्या करना है डिवाइड करना है, तो ये मिनट में है, इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 52 बाय क्या हो जाएगा 60, अब ये हो गया क्या डिग्री में, ठीक है, अब ये किस में हो गया डिग्री में हो गया, ठीक है, प्लस, तो देखिए ये सेकंड में है, तो मैंने बताया था कि डिग्री से मिनट में जाएंगे तो 60 से गुना करना है, और मिनट से सेकंड में जाएंगे तो क्या करना है 60 से गुना करना है, ठीक है, और अगर डायरेक्ट मिनट्स डिग्री से सेकंड में जाएंगे तो 60 इंटू 60 से गुना करना है, अगर हम लोग डायरेक्ट डिग्री से सेकंड में जाएंगे तो क्या करना है 60 इंटू 60 करना है, मतलब 60 इंटू 60 से क्या करना है गुना करना है, ठीक है, और अगर सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में जाएंगे तो 60 इंटू 60 से क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया था, तो इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, देखिए सेकंड में है, सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में जाएंगे तो क्या करना है डिवाइड करना है 60 इंटू 60 से, तो 30 बाय क्या होगा 60 इंटू 60 हुआ, ठीक है, तो अब ये हम लोग को डिग्री में मिल गया, ठीक है, तो इक्वल टू, तो देखिए 0 0 कैंसिल होगा, ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है, तो मिलेगा 52 डिग्री प्लस 52 डिग्री बाय 60 प्लस 1 डिग्री बाय 62 जे कितना मिलेगा 62 जे मिलेगा 120, ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को एलसीएम लेना है 60 120, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, अगर हम लोग 160 और 120 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 120 मिलेगा, यानी कि 1 को लिख के तो कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग 60 और 120 का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो 60 का टेबल लेने से 61 60, 62 120, तो 60 60 × 1 × 2 इक्वल टू क्या मिलेगा 120, ठीक है, 60 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, ठीक है, तो
एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 120, ठीक है। तो 1 से अगर 120 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, 1 से अगर 120 को डिवाइड करेंगे तो 120 ही मिलेगा। तो 120 को अगर 52 से गुना करेंगे, 120 को अगर 52 से गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 120 जो मिलेगा उसको इससे गुना करना है। तो अगर हम लोग 120 और 52 को गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 6240 मिल जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, 60 से 120 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 60 से 120 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 से 52 को गुना करना है, तो 2 से 52 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 104 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 120 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 120 को 120 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 से अगर 1 डिग्री को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री मिलेगा, डिग्री हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हम लोगों को ये सब को प्लस करना है। तो 6240 डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 6345 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6345 डिग्री। नीचे कितना है, नीचे है 120, तो 120 इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को सर्कुलर वैल्यू में डिटरमाइन करना है। तो क्या करेंगे, पाई रेडियन बाई 180 से गुना कर देंगे, ठीक है। सर्कुलर वैल्यू में निकालने के लिए पाई बाई 180 से गुना करना है, तो सर्कुलर वैल्यू हमेशा रेडियन में होगी, ठीक है। तो इसलिए रेडियन की सिंबल देना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को कैंसिल करना है। तो अगर 9 से कैंसिल करें तो 9 टू जाए 18, 0 का 0 मिलेगा, ठीक है। 9 7 जाए 63, उसके बाद देखिए दो डिजिट को एक साथ काटना है तो 0 लेंगे, 9 5 जाए 45, ठीक है। उसके बाद 5 4 जाए 20, ठीक है। 5 1 जाए 5, 2 मिलेगा, 2 0 20, 5 4 जाए 20, उसके बाद क्या मिलेगा, 5, तो 5 1 जाए 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 से काट सकते हैं, 3 4 जाए 12, 0 का 0, 3 4 जाए 12, 2 मिलेगा, 2 और 1 21, 3 से बन जाए 21, और कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। तो 47 इंटू पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 47 पाई रेडियन, और नीचे 40 इंटू 4, तो 4 4 जाए 16, ठीक है, और 0 का 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 47 पाई रेडियन बाय 160, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे, टाटा।